ओम शांति। व्यक्त मुरली क्लब में बाबा के सभी नूरे रत्नों का स्वागत है। आज की मुरली है 8 नवंबर 1981 की मुरली है। और मुरली का टॉपिक है अंतर संपन्न करने का साधन, तुरंत दान महापुण्य। अंतर संपन्न करने का साधन, तुरंत दान महापुण्य। तो आज की मुरली अनुभव करने की मुरली है कि उसमें बाप दादा, हम बच्चों के बारे में, आज वतन में सबको इमर्ज किया है बाप दादा ने, और एक कहानी के रूप में हमारी स्थितियों के बारे में बाबा बातचीत कर रहे हैं आपस में ही। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछ रहे हैं, जैसे बाबा बगीचे में सैर कर रहे थे तो ब्रह्म शिव बाबा बोले कि आज क्या कर रहे हो, तो बाबा कह रहे आज बच्चों की माला, गुणों की माला सिमरन कर रहा हूँ, जो आपका कार्य है वो मेरा कार्य है। तो आज बाबा जैसे चित्र सहित हमारे चित्र देख रहे थे, और बाबा ने जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, उन सबके मालाओं को, उन सब सब्जेक्ट के अनुसार मालाओं के रंग बताए, और उसको हम देखते हुए अनुभव कर सकते हैं। आज सुनेंगे भी मुरली ऐसे ही जैसे कि अनुभव करते हुए सुनेंगे, और अपने अपनी माला को देख सकेंगे कि भी हम कौन सी माला में हैं, या चारों ही सब्जेक्ट की माला हमारे गले में चमक रही है। तो बाबा ने सब सब्जेक्ट के आज रंग भी बताए, और देखी भी किस तरह की है। जैसे पहले देखी कि एक छोटी नेकलेस की तरह थी माला, दूसरी पाँव तक लंबी माला थी, और उसमें भी कई बच्चों की लड़ियों की माला दिखाई दे रही थी लड़ियों के रूप में। तो कई मालाएं ऐसी भी थी जो ड्रेस, पूरी माला ही ऐसे मालाएं मालाएं थी जो ड्रेस ही जैसे माला की बन गई थी। तो फिर बाबा ने 4 सब्जेक्टों के आज के अनुसार माला का रंग भी बना बताया कि जैसे ज्ञान स्वरूप की निशानी है गोल्डन कलर, और गोल्डन कलर भी और ही तरह का वतन में, वो वतन कलर नहीं है जो हमारे स्थूल वतन में है, तो वो अलग ही कलर थे आज, गोल्डन कलर था। फिर ज्ञान याद की निशानी थी लाल रंग में भी, गोल्डन मिक्स, गोल्डन रंग मिक्स, और धारणा की निशानी सफेद रंग, और सफेदी में भी सुनहरी रंग मिक्स था, है ना, और हल्का पीला रंग भी जैसे ऐड कर सकते हैं, और सेवा का था हरा रंग। तो बाबा उन रंगों की माला के रूप में हम बच्चों को देख रहे थे कि किस में ज्ञान स्वरूप की चमक ज्यादा है, किसी में योग की, किसी में धारणा की, किसी में सेवा की, और उसी अनुसार किसी की माला बड़ी थी, किसी की छोटी थी। तो बाबा आपस में हम बात कर रहे थे हम बच्चों के बारे में कि विधि भी एक है, विधान भी एक है, विधाता भी एक है, फिर ये अंतर क्यों है। तो बाबा की ये रूहान चल रही थी, तो उसी अनुसार आज हम भी ना मुरली को सुनेंगे नहीं, बाबा के आंखों से हम अपने मालाओं को देखेंगे और अनुभव करेंगे। तो ये अनुभव करने की मुरली है, और अनुभव करते हुए मुरली को सुनेंगे। एक एक शब्द मैं बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगी, जैसे कि हम योग करते हैं, तो वैसे ही अनुभव करते हुए आज मुरली को पढ़ेंगे, और अपने माला को भी देखेंगे कि 4 सब्जेक्टों की माला, क्यों ना हम 4 सब्जेक्टों की माला अपने गले में डाली हुई अनुभव करें ना बाबा के, जो बाबा हमसे चाहता है कि हम इस अंतर को समाप्त करें, और उसका एक ही साधन है तुरंत दान महापुण्य, कि जब अभी आज बाबा हमें देख रहे हैं तो हम भी आज ही संपन्न बन जाएं इन 4 सब्जेक्टों में। मुरली का टाइटल है अंतर संपन्न करने का साधन, तुरंत दान महापुण्य। गुणों के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सवेरे प्रातः काल की वतन की, बाप दादा दोनों के रू रूहान की चित्रों सहित कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने में सबको रुचि होती है ना, तो आज की कहानी क्या थी? ब्रह्मा बाप पहुंचाए व्यक्त वतन में, और देखे बाबा को। ब्रह्मा बाप वतन के बगीचे में सैर कर रहे थे, सैर करते हुए सामने कौन थे?
बाप के सामने सदा कौन रहते हैं? पूछें अपने आप से, यह तो सभी अच्छी तरह से जानते हो ना कि बाबा के सामने कौन रहता है। बाप बच्चों की माला सिमरन करते, वो भी कौन सी माला? गुण माला। तो ब्रह्मा बाप गुण माला सिमरन कर रहे थे। शिव बाप ने ब्रह्मा से पूछा, क्या सिमरन कर रहे हो? तो ब्रह्मा बाप बोले, जो आपका काम सो मेरा काम। बच्चों की गुण मालाओं को देख रहे थे। शिव बाप पूछे, क्या क्या देखा? क्या देखा होगा? शिव बाबा हमसे पूछ रहे कि क्या देखा होगा जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे थे। तो कोई बच्चों की सिर्फ नेकलेस की माफिक माला थी। महसूस करें सभी ब्राह्मण आज वतन में, और बाबा पहले नंबर की माला देख रहे हैं, नेकलेस की माला, नेकलेस के माफिक माला थी। और कोई बच्चों की पांव तक लंबी माला थी, कोई बच्चों की कई लड़ियों की माला थी। कोई बच्चे इतनी मालाओं से सजे हुए थे जैसे मालाएं उनकी ड्रेस बन गई थी। ब्रह्मा बाप वैरायटी गुण मालाओं से सजे हुए बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे थे। लेकिन चार मालाओं से सजे हुए हम बच्चे और बाबा हर्षित हो रहे हैं हमें देखकर। आप हर एक अपनी गुण माला को जानते हो, कितने सजे हुए हो यह अपना चित्र देखते हो। ब्रह्मा बाप चित्र रेखा बन चित्र खींच रहे थे। आप स्वयं भी स्वयं का चित्र अर्थात तकदीर की तस्वीर खींच सकते हो ना? पापा पूछ रहे थे, फोटो खींच सकते हो ना? फोटो निकालने आता अपना व दूसरे का, अपना फोटो खींचने आता है? क्योंकि जब हम फोटो खींचते हैं तो हम दूसरे की खींच सकते हैं ना, अपनी नहीं खींचते, सेल्फी ले लेते हैं लेकिन वो बात नहीं बनती। तो आज बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि फोटो निकालने आता है दूसरे का क्या, अपना निकालना आता है, अपना फोटो खींचने आता है? तो आज बाबा जैसे तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं हमारी, और हमारी फोटो में वो रंग वो गुण भर रहे हैं, तो वो हम भी खींच सकते हैं। अपनी मन बुद्धि के कलम तो हमें बाबा ने दी ही है। अपना फोटो खींचने आता है। तो आज सबका फोटो वतन में था। कितना बड़ा कैमरा होगा? सिर्फ आप लोगों का नहीं, सभी ब्राह्मणों का फोटो था। बाबा सोचे कि जो हम आज ग्रुप में जुड़े हैं वही उन्हीं का ही नहीं था, कि सभी आत्माओं का, सभी ब्राह्मणों का फोटो था आज बाबा का इतना बड़ा कैमरा। माताओं का मालाओं का श्रृंगार देखते कोई कोई बच्चों की विशेषता क्या देखी? हर गुण हीरो के रूप में वैरायटी रूप देखा, वैरायटी रूप रेखा और रंग वाले थे। हर गुण हीरो के रूप में वैरायटी रूप रेखा और रंग वाले थे। विशेष चार प्रकार के रंग थे, बाबा कह रहे, जिसमें मुख्य चार सब्जेक्ट के चार रंग थे। सब्जेक्ट तो जानते हो ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान स्वरूप की निशानी, बाबा कह रहे ज्ञान स्वरूप जो आत्माएं होंगी उनका कौन सा रंग है, कौन सा रंग होगा? ज्ञान स्वरूप की निशानी गोल्डन कलर, जो हल्का सा गोल्ड कलर होने के कारण उस एक ही हीरे से सर्व रंग दिखाई देते थे। गोल्डन कलर में भी जो हल्का सा गोल्ड कलर होने के कारण उस एक ही हीरे से सर्व रंग दिखाई देते थे। एक ही हीरे से भिन्न भिन्न रंगों की किरणों के मुआफिक चमक दिखाई देती थी। दूर से ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चमक रहा है, और यह उससे भी सुंदर सूर्य है, क्योंकि सर्व रंगों की किरणें दूर से स्पष्ट दिखाई देती थी। चित्र सामने आ रहा है ना, आप कह रहे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को
अपना ज्ञान स्वरूप का, जो एक हीरे में ही भिन्न भिन्न रंग की किरणों के माफिक चमक रहा था, और वो भी सूर्य के समान। सर्व रंगों की किरणें दूर से स्पष्ट दिखाई देती थी। तो बाबा अपने चित्र देखने को कह रहे हैं, इतना समीप है कि जैसे बाबा बोलते हैं और चित्र दिखा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं। तो कैसे चमक रहा है हीरा? फिर बाबा ने याद की निशानी बताई। याद की निशानी यह तो सहज है ना, याद में यहाँ भी बैठते हो तो क्या करते हो? जब भी याद करेंगे बाबा को, ऊपर लाल वतन दिखेगा ना परमधाम में, याद करेंगे तो बाबा क्या कह रहे, लाल रंग याद का, लेकिन इस लाल रंग में भी गोल्डन रंग मिक्स था। लाल रंग में भी गोल्डन रंग मिक्स था, इसलिए आपकी इस दुनिया में वह रंग नहीं है। कहने में तो लाल रंग आएगा ना, बाबा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ वहां वाले रंग यहाँ आप सिर्फ थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, बाबा कह रहे हैं, लेकिन वो रंग आपको यहाँ नहीं दिखाई देंगे। कहने में तो लाल रंग आएगा। फिर धारणा की निशानी बताई बाबा ने, सफेद रंग, लेकिन सफेदी में भी जैसे चंद्रमा की लाइट के बीच सुनहरी रंग मिक्स करो, या चांदनी के रंग में हल्का सा पीला रंग ऐड करो। ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे चंद्रमा की लाइट के बीच सुनहरी रंग मिक्स करो, या चांदनी के रंग में हल्का सा पीला रंग ऐड करो, तो दिखाई चांदनी जैसा देगा, लेकिन हल्का सा सुनहरी होने के कारण उसकी चमक और ही सुंदर हो जाती है। यहाँ वह रंग बना नहीं सकेंगे क्योंकि वे चमकने वाले रंग हैं, कितने भी ट्रायल करो, लेकिन वतन के रंग यहाँ कहाँ से आएंगे, बाबा कह रहे। और करे ये तो मन बुद्धि से ही हम अनुभव कर सकते हैं, बाबा ने जो दिव्य नेत्र दिया है उससे अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ तो स्थूल से जोड़कर बाबा थोड़ा अनुभव कराना चाह रहे हैं। तो बाबा कह रहे, वतन के रंग यहाँ कहाँ से आएंगे, सेवा की निशानी पे। ये तो बाबा ने बताया धारणा की निशानी, अब सेवा की निशानी हरा रंग। सेवा में चारों ओर हरियाली कर देते हो ना, बाबा कह रहे, सेवा में चारों ओर हरियाली कर देते हो ना, तन मन हरा हो जाता है ना अंदर से। तो बाबा कह रहे हैं कि कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हो। तो अभी सुना चार रंग कौन से हैं, तो सभी ने अनुभव करे होंगे ना, अपने ज्ञान योग धारणा सेवा का रंग अनुभव करा होगा वतन में। तो बाबा कह रहे, तो अभी सुना चार रंग कौन से हैं, इन चार रंगों के हीरो से सजी हुई मालाएं सबके गले में थी, इसमें भिन्न भिन्न साइज और चमक में अंतर था। बाबा ने तो सबको डाली, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे हैं भिन्न भिन्न साइज और चमक में अंतर था। कोई की ज्ञान स्वरूप की माला बड़ी थी, ज्ञान स्वरूप की माला, और कोई की याद स्वरूप की माला, कोई की गोल्डन माला, कोई की लाल माला ना, कोई की, तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि याद स्वरूप की माला बड़ी थी, और कोई कोई की चार ही मालाएं थोड़े से अंतर में, एक ही गले में चार मालाएं थी ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, चार ही मालाएं थोड़े से अंतर में थी, लेकिन बाबा आज अंतर देख रहा है, जिन्हों की चार ही रंगों की अनेक मालाएं थी, यह वह कितने सुंदर लगते होंगे। बाबा ने बताया ना कि उनकी तो मालाओं से ही ऐसे ढका हुआ था जैसे ड्रेस ही महसूस हो रही थी कि ड्रेस पहनी हुई है मालाओं की, और चमकीली हीरो जैसी चमकीली ड्रेस। तो अक्ते जिन्हों की चार ही रंगों की अनेक मालाएं थी, वे कितने सुंदर लगते होंगे। तो बाप दादा सबकी रिजल्ट मालाओं के रूप में देख रहे थे, दूर से हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे बल्बों की लाइन, यह बल्बों की लाइन, यह था चित्र। बाबा करे जैसे लाइट का ही हमने ड्रेस पहना हुआ है, और मालाओं की लाइट की मालाएं हैं, और मालाओं की हमने ड्रेस पहनी हुई है, यह था चित्र वतन का आज। तो अब इन चित्रों द्वारा रिजल्ट देख, ब्रह्मा बाबा बोले, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है, कि जिसने जितना जितना, जैसे पेपर आता है तो पढ़ाई बंद हो जाती है, और ना ही टीचर कुछ पढ़ाता है ना समझाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न, जिसना जितना जितना किया वो पूरा हो गया, क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर था।
तो इस अंतर को संपन्न कैसे करें? बाप दादा आपस में दूरभान कर रहे थे बच्चों के बारे में कि अंतर तो देखा लेकिन इस अंतर को संपन्न कैसे करें। फिर बाबा बोले, ब्रह्मा बाबा बोले, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है कि संकल्प भी करते हैं, बाकी क्या रह गया? इच्छा भी है, संकल्प भी कर लेते हैं, अभी हमारे में क्या कमी रही? जानते तो सब हो ना, नॉलेजफुल तो बन गए हो, भाव के ज्ञान से तो सभी बन गए हो, तो बताओ क्या अंतर रह जाता है जिससे कोई की नेकलेस, कोई की पांव तक लंबी मालाएं, वह भी अनेक मालाएं। बाबा कह रहे कौन सा अंतर रह गया है? सुनते भी एक हो, सुनाते भी एक हो, एक ही को याद करो, एक जगह पे याद करो, है ना? तो विधि भी सबकी एक है और विधाता भी एक है, विधान भी एक है, सिखाने वाला टीचर भी एक, पढ़ाई भी एक। तो बाबा कह रहे हैं और एक ही को याद करना तो विधि भी एक, तो सबकी एक है और विधाता भी एक है, विधान भी एक है, बाकी क्या अंतर रह जाता है? संकल्प भी एक है, संसार भी एक है, तो फिर अंतर क्यों? आज बाबा दादा हमसे पूछ रहे थे कि अंतर क्यों, और मालाएं भी देख रहे थे, हर्षित भी हो रहे थे और रिजल्ट भी दिया। तो अभी याद कर लेंगे बाबा का। ऐसे सदा सजे सजाए, सोचना और करना समान बनाने वाले, सदा बाप समान, तुरंत दानी, महापुण्य आत्माएं, दोनों बाप के शुभ इच्छा को पूर्ण करने वाले, ऐसे संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले, सजाने वाले, तुरंत दान महापुण्य करना सिखाने वाले, तो बाप दादा को हम बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया निमित्त बनाने के लिए, अनुभव कराने के लिए, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। एक सेकंड, एक सेकंड मौन में रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, बीके उनमें दीदी सभी हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी भी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, गुणों के सागर, गुणों के सागर। प्यारे बाबा बोले, आज बाप दादा रूह रिहान कर रहे हैं, यानी कैसी सीन हमको अच्छी दिख रही है, हम देख सकते हैं आज बाबा के वतन में, वो भी वतन में बगीचे में सैर कर रहे हैं। और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा, क्या सिमरण कर रहे हो? ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चों के गुणमालाओं को देख रहा हूँ, किसकी छोटी और किसकी, यानी जो बाबा के राइट हैंड है उनकी बड़ी माला गुणों की बाबा देख रहे थे। वैसे गुण मुझे 16 गुण है, मुझे लगता है पवित्रता, मधुरता, हर्षित मुख, संतुष्टता, परोपकार, और कौन से, नियमितता, उदारता,
नम्रता, प्रेम, क्षमा, शुभ भावना, ईमानदार, अध्ययनकारी, और धैर्यता, रमणीकता, दृढ़ता, एकाग्रता इत्यादि, जो बाबा ने हमें ये सभी गुण हम सभी को दिया है और वो समान दिया है। ब्रह्मा बाबा आज ब्रह्मा बाबा वैरायटी गुणों की माला उनकी सजे हुए हम सब बच्चों को देख हर्षित हो गए। ओम शांति। हाँ जी दीदी, हम भी हर्षित हो रहे हैं सबकी, सभी को देखा ना हमने भी, अपने आप को भी देखा बाबा के नैनों से। बीके निपुण भाई जी या दीदी हैं जो भी हैं। ओम शांति। बाबा ने ज्ञान का रंग बताया है, गोल्डन रेड। और बाबा कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जो जहाँ हम पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, तो गोल्डन रेड तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कितना प्यारा कलर होगा वो। और इसमें एक विशेषता और बताई बाबा ने इस कलर में, कि जो हल्का सा गोल्ड कलर होने के कारण उस एक ही हीरे से सर्व रंग दिखाई देते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ज्ञान की जो धारणा है, वही उसको बाबा सबसे पहले वही रखा है, इसलिए उसमें से सातों रंग सर्व रंग दिखाई दे रहे हैं। तो कितनी सुंदर दिखते हुए, और इसीलिए हम ज्ञान सूर्य कहते हैं। ज्ञान सूर्य में से चारों तरफ किरणें फैलती हैं। और दूसरी जो लाइन है मुझे बहुत टच की, कि बाबा हमको जिन्हों की चार ही रंगों की अनेक मालाएं हैं, वे कितने सुंदर लगते होंगे। मतलब बाबा के एक्सपेक्टेशन हमसे ये है कि हम चारों ही सब्जेक्ट में अनेक मालाएं पहने, एक एक चारों सब्जेक्ट की एक एक माला नहीं, अनेक मालाएं पहने, तो वो बच्चे बाबा को सुंदर लगते हैं। ओम शांति। जी दीदी, बाबा की तो यही आशा है कि अंतर ना रहे, चार सब्जेक्ट में ही हम संपन्न बन जाएं, क्योंकि कल वरदान में भी बाबा ने यही कहा था ना कि चार ही सब्जेक्ट में नंबर पूरे लेने हैं। और मुझे जब पढ़ रही थी यार, सुनहरी रंग बाबा हर उसमें डाल रहा था माला में, तो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा हमें लक्ष्य भी बता रहा है साथ में कि सत्यों की दुनिया में जाना है ना, तो वो सोने की दुनिया होगी, है ना। हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, उस दुनिया में जाना, तो नई दुनिया की भी शायद शायद बाबा हमें साथ साथ वो प्रेरणा दे रहे थे। हाँ जी, धारणा में भी उन्होंने सुनहरी रंग जी, हर दिखाए जगह थे, सुनहरी रंग तो डालना ही सुनहरी है। दुनिया है। तो अभी और को सुनाना चाहेगा, और क्या अनुभव करा वो भी बता सकते हैं वतन में। आज की मुरली हमारी सुनने से ज्यादा अनुभव करने की थी ना, बाबा ने चित्रों सहित हमें अनुभव कराया। हाँ जी, और कुछ सुनाना चाहेगा? जो सुना चुके हैं वो हाँ जी लो कर सकते हैं। हाँ जी नमिता जी, नमिता दीदी ओम सुना। शांति। हाँ, ओम शांति ओम दीदी। शांति। हाँ, बाबा ने आज बच्चों की गुण का माला को देख रहे थे, तो सारे बच्चे तो गुण की माला में श्रृंगार हो रहे थे, लेकिन बाबा को श्रृंगार में अंतर दिखाई देता है। तो बाबा ने बोला कि पढ़ाई में जो चार सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इस चार सब्जेक्ट में बच्चों की रिजल्ट आज बाप दादा देख रहे थे। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई सबके लिए तो एक ही, सुनने वाला एक, सुनाने वाला एक, सुनने वाला भी एक, विधि भी सबके लिए एक ही, विधि देने वाला विधाता भी एक है, विधान भी एक है, लेकिन रिजल्ट में अंतर है, क्यों? बाबा के मन में बहुत सारा क्वेश्चन है रही। तो बाबा बच्चों को पूछ रहे थे आज,
ये मूल्य के माध्यम में बाबा बच्चों को पूछ रहे थे, क्योंकि बच्चों की ये जो संकल्प, बच्चों की जो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में, सब में चार सब्जेक्ट में बच्चों की अंतर, बाबा बच्चों के अंतर पढ़ाई में अंतर देख रहे। तो बाबा बोल रहे जे बच्चों की संकल्प और धारणा में फर्क बाबा देख रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि जब बच्चों ने चार सब्जेक्ट में परफेक्ट होंगे, तब बाबा जो श्रृंगार की माला देखना चाहते हैं, ये बच्चों ने चार सब्जेक्ट में परफेक्ट होंगे तो बच्चों बाबा की माला, जो गले के माला, एक्यूरेट माला बनेंगे। तो आज बाबा ने याद दिलाते हैं कि चार सब्जेक्ट में बाबा आज अंतर देख रहे, तो थोड़ा बाबा को भी दुख होता है, तो बाबा की आस भी पूरी हो, उस आस भी पूरी हो ना पा, माने नहीं होता है, तो बाबा याद दिलाते हैं। तो आगे की वही मुरली का आगे की भी बाबा उसका ये भी बता रहे हैं। ऐसे आज बाबा पूरा बच्चों के साथ, बहुत ब्रह्मा बाबा के साथ साथ बच्चों के साथ भी रू रिहान कर रहे थे। ओम शांति। जी दीदी, चार पाए जब भी किसी भी चीज के होते हैं, यदि दो हिल रहे होते हैं तो वो अच्छा नहीं लगते ना, अच्छा उसका हाँ बैलेंस नहीं होता। तो ऐसे हाँ ही बाबा भी चाह रहे कि चारों सब्जेक्ट ठीक होंगे तो बैलेंस रहेगा, जीवन का ज्ञानी योगी जीवन का बैलेंस रहेगा। बैलेंस भी होगा, तो बाबा भी जो माला हाँ देखना जी, चाहते हैं हाँ और जी, माला भी परफेक्ट यदि बने। हमें बाबा से प्यार है तो फिर हाँ बाबा की इच्छाओं को चलो। भी हमें पूरा हाँ, करना तो इसका पहला मूल कारण है बाबा से प्यार। है। बाबा से प्यार, बाबा के हम जितना प्यार करेंगे तो हमारा वो सब चार सब्जेक्ट भी मजबूत हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा ने चाहते हैं। ओम शांति। हाँ जी कविता दीदी, ओम कविता। शांति। की आवाज क्लियर है ना? हाँ जी, मेरी आ रही है ना क्लियर? जी, आपकी आ रही है। ठीक है दीदी, सुनाओ। तो आज बाबा हम बच्चों को फीलिंग में ला रहे थे और साथ ही विजुअलाइज भी करा रहे थे बाबा। और जैसे कि दोनों का रूह रिहान बाप दादा का चल रहा था, कि ब्रह्मा बाबा को पूछा ना कि आप क्या देख रहे हो, जो आप देखते हो वही मैं देख रहा हूँ। तो हम भी तो बाप समान बच्चे हैं, तो हमको जो बाप दादा की जो एक्सपेक्टेशन है हम बच्चों से, हम भी उसके स्वरूप में आ जाए, यही उन दोनों की इच्छा है। और इसलिए इतना टाइम भी लग रहा है और हमारे इंतजार में बैठे हैं ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में। तो आज जब मुरली आप पढ़ रही थी तो हम यही अनुभव कर रहे थे कि चारों रंग, क्योंकि ऐसा होता है ना, स्थूल रूप से जब देखा जाए तो रंग बिरंगे हम जब कपड़े पहनते हैं या गहने पहनते हैं, तो गहनों की जो सजावट है वो बहुत ही सुंदर दिखती है। तो जैसे बाबा बता रहे थे मालाएं, चारों सब्जेक्ट्स की मालाएं, जैसे निपुण बहन ने और आपने भी शेयर किया कि रंग जो है सुनहरे, हर हर रंग में सुनहरा रंग, माने मेटालिक कलर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं नॉर्मल कलर से भी, मगर यहाँ के जो मेटालिक कलर्स है, जो बाबा की सुंदरता है और जहाँ जो विशेषता है, वो तो हम स्थूल रूप में दिखाई उसको ला नहीं सकते प्रैक्टिकली, मगर देखा जाए तो जो रंग है, जो सुनहरा, लाल, सफेद और हरा वाला, उसमें हर रंग में सुनहरा रंग ऐड किया हुआ है, तो वो कितना आकर्षण दिखाई देता है। और चारों रंग की मालाएं जब ऐसी विशेष सुनहरे रंगों से हाईलाइट होगी, तो वो मैं वही जैसे विजुलाइज कर रही थी, सारे रंग इतने सुंदर, माने पूरा जैसे कि जैसे तन ही सजा हुआ है उन रंगों से, उन मालाओं से, तो कितना विशेष, हमें सोचने पर ही विशेष लग रहा है। तो बाप दादा को तो हमारे असली स्वरूप में वो देखते हैं, तो उनको कितना खुशी की अनुभूति होती है, वही फीलिंग में आ रहे थे। और साथ ही आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फोटोग्राफ्स निकले हैं,
उसमें देखा जाए तो हर जगह जैसे सुनहरा रंग हाईलाइट होता है, इसलिए वो गोल्डन एज की दुनिया को ही दर्शाता है। तो बा हम जैसे आपने भी बताया कि हम गोल्डन एज में जा रहे हैं, गोल्डन एज की आत्माएं हैं, तो बस हमें उसी स्वरूप में स्थित होना है और चेक करना है कहाँ कहाँ हमारी कमी कमजोरियां हैं, या जहाँ जहाँ हमें चेंज करना है वहाँ चेंज करके चारों सब्जेक्ट जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे हम संपूर्ण बने। ओम शांति। जी दीदी, आज की तो मुरली अनुभव की ही थी, बस पढ़ने की नहीं थी। मुझे भी बहुत आनंद आया पढ़ते, क्योंकि विजन बन रहा था बहुत सुंदर, वतन में ही बैठे थे जैसे। हाँ जी सुमित्री दीदी। सावित्री दीदी जी, अच्छा ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी दीदी, अरुणा बहन जी, ओम ऐसा अनुभव हो रहा था दीदी। जैसा हाँ निराकारी हाँ अच्छा निराकारी दीदी, निर्विकारी और निर्विकल्प स्थिति, चारों सब चारों कलर योग युक्त शांति की स्थिति, ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कि गोल्डन कलर शांति की स्थिति से ही हम सब देख रहे हैं और ऐसी चारी स्थिति में अनुभव हो रहा है। उषा हाँ जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने जो शुरू में टॉपिक दिया है आज की मुरली के हिसाब से, अंतर संपन्न करने का साधन, तुरंत दान महापुण्य। तो इसका कुछ अर्थ भी समझ नहीं आया। तुरंत दान तो वह है जो हम मतलब कोई संकल्प लेते हैं या हमारे पास नेगेटिविटी, तो उसे उसी टाइम बाबा को दे दो। लेकिन बाबा ने उसके आगे क्या बोला, गुणों के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले। तो बाबा ने पहले ये टॉपिक जो लिया कि पहले मैं इनकी माला देखता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या गुण है। तो ये जो बाबा ने हमें गुण संपन्न आज बनाया, जो वैरायटी गुणों की माला बाबा आज हम देख रहे हैं, हम भी देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो उन बाबा ने उस जो कलर बताए, तो कलर के हिसाब से बाबा ने वो गुण बताए हैं कि मेरे बच्चों में ये गुण है, और उन गुणों के गहने मेरे बच्चों ने पहने हैं, और उन गुणों की गहनों की माल जो मेरे बच्चों ने पहनी है, जो हम कलर जो मतलब सूट के हिसाब से अगर हम 16 श्रृंगार जो हम करते हैं, तो ये संपन्न बनाने की जो बाबा ने हमें माला माला में देखा है। तो इसमें ज्ञान योग धारणा जो सेवा बताई है। तो यहाँ पर जैसे बाबा ने लास्ट में कहा, कहना करना और सब समान हो संपन्न बन जाएंगे, तो हमारी एक पूरे गुणों की माला बन जाए। ये जो माला बाबा ने आज बनाई है, तो इस मतलब चारों रंगों को अगर हम देखें, तो ये जो हीरों से सजी हुई ये माला है, तो इसका बाबा ने जो साइज तक बताया, तो साइज से क्या हमें क्या सोच मतलब साइज का अर्थ क्या हुआ वैसे, मतलब जिसके ज्यादा गुण कम गुण उसी तरह की मालाएं शायद बाबा आज हमें देख रहे हैं। तो मुझे तो इसमें से ये चारों सब्जेक्ट में से चारों जो मालाएं जो बहन ने भी अभी शुरू में भी बताया था कि जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान के लिए बाबा ने कौन सा कलर बताया, तो ज्ञान है मतलब मुझे समझ आ गई है। तो समझ से क्या हुआ, जब मेरा गुण जैसे मैं पवित्रता पे आ गई हूँ, तो मुझे पवित्रता का गुण ले लिया, तो पवित्रता के बाद मुझे शांति मिलने लगी, शांति के बाद मुझे सुख मिलने लगा, सुख से प्रेम होता, प्रेम से आनंद, आनंद से शक्ति। तो ये शक्तियों के रंग जो बाबा ने हमें आज भरे हैं, तो इससे सेवा की निशानी का जो हरा रंग दिया है, सेवा में चारों हरियाली कर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हैं। तो आज हम सभी इस फूल के बगीचे को देख करके हर्षित हुए, और हर्षित हो करके हमें बाबा ने जिस रूप में देखना चाहे वो रूप हमें दिखे भी और दिखाए भी। तो यहाँ पर नॉलेज बन गए, तो यहाँ पर बाबा ने इसको नॉलेज बताया है, नॉलेज बन गए तो बताओ क्या अंतर। तो ये अंतर आया यहाँ पे कि बाबा ने बोला अंतर क्या है, जिसमें कोई भी नेकलेस, कोई भी पांव की एक लंबी माला है, वह भी अनेक माला है, ये अंतर बाबा ने बताया। सुनते भी हैं एक हो, सुनाते भी एक हो, विधि भी सबकी एक है, और विधाता भी एक है, विधान भी एक है, बाकी क्या अंतर रह जाता है, संकल्प में एक ही संसार एक है, फिर अंतर क्यों।
तो ये बहुत ही अच्छी मुरली है और स्नेह से भरी हुई और चित्रों से संपन्न मुरली। मुझे तो बहुत उत्साह हुआ इस मुरली से, और जिन जिन्होंने भी ये शेयर किया उससे तो ज्यादा ही उत्साह। जी दीदी, नमिता दीदी आप सुना सकते हैं। नमिता दीदी दीदी, हाँ कौन सा दीदी, मैंने बोला बोला मेरा पॉइंट तो शेयर किया कि अच्छा वो है हाँ हाँ ना, मैंने कहा दोबारा कर। नहीं दीदी मैंने बोला जी मैं बोल सकती हूँ एक पॉइंट और हाँ जी हाँ जी बोलो, टाइम जी। है आज। मुझे ना एक एक लाइन क्लियर नहीं हो रही थोड़ी। बाबा ने बोला समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है, मतलब क्वेश्चन है सर समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार इसमें समय की रफ्तार जो शब्द यूज किया ना बाबा ने, इसको डिस्कस कर सकते हैं क्या? ये मुझे क्लियर हाँ नहीं जी, हो रहा कोई समय। बताना चाहे बता सकते हैं दीदी का जो प्रश्न है। मेरे अनुसार तो ना बाबा कहते हैं कि जो भी नंबर जिसका है ना वो उसी नंबर के अनुसार संपूर्ण है, चाहे वो नंबर वार भी है, वो उसकी संपूर्ण स्थिति है। तो आज समय के रफ्तार के अनुसार तो बाबा ने तो सारी शिक्षाएं दे दी। देखो मुरली तो रिवाइज हो रही है ना सारी, तो बाबा ने तो सारी शिक्षा भी दे दी, समय भी वो हो गया, लेकिन हमें अब दोबारा हमारे लिए तो रिवाइज हो रही है ना। तो समय तो पढ़ाई का तो समय समाप्ति हो गया ना, उसके बाद हमें कितना पढ़ना है। जैसे पेपर से पहले फ्री कर देते तो हमें हमारे ऊपर होता है कितना पढ़ते हैं हम कितना नहीं, उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। तो बाबा के अनुसार तो सारे सबको सब की स्टेज बाबा संपन्न देखता है, जितने भी उसका नंबर वार स्टेज है वही संपन्न स्टेज है। और भी कोई सुना ओम सकते बता सकते ओम हैं कोई। शांति। हाँ ओम शांति दीदी, हाँ जी जो बाबा ने आज बोला कि समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है, बाबा क्वेश्चन कर रहा है। तो बाबा सर्व बच्चों के श्रृंगार में संपन्न नहीं देखा इसलिए बाबा क्वेश्चन कर रहा है क्यों। फिर उसके बाद बाबा ने बोला क्योंकि ये रिजल्ट में तो अंतर था, तो सर्व बच्चे अभी तक संपन्न बने नहीं हुए है इसलिए बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। और बाबा सर्व बच्चों के रिजल्ट को देखकर ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, बच्चों को क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर था, तो इस अंतर को संपन्न कैसे करें। तो ब्रह्मा भाई शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बोल रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा बाबा बोले कि बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है, संकल्प भी करते हैं, बाकी क्या रह गया है। तो बाबा भी तरस ये सोच में पड़ रहे थे, ब्रह्मा बाप दे मैं बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, संकल्प भी कर रहे हैं, इच्छा भी सब बच्चों के भी इच्छा भी है, किंतु अंतर पड़ रहे हैं इसलिए कि बच्चों का संकल्प के साथ इच्छा एक साथ नहीं होता है, इसलिए बच्चे संपन्न अभी तक भी बने नहीं हुए। ऐसे ही रू रिहान चल रहे हैं। ओम शांति दीदी, मैंने ऐसे समझा। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। मैं बोलूं दीदी? हाँ ओम शांति। तो संपन्न अर्थार्थ संपन्न जैसे समय के साथ संपन्न अर्थात 16 कला श्रृंगारी श्रृंगारधारी, तो सभी 16 श्रृंगारधारी मतलब सजी सजाई जो बाबा आज हम सज्जनियों को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो श्रृंगार है तो 16 कला संपन्न हुआ कि नहीं हुआ? संपन्न संपन्न की बात की ना, तो 16 कला क्या है? जैसे बाबा कभी 8 कला देखता, कभी 10 कला, कभी 11 कला, लेकिन सभी 16 कला बने हैं। तो अपने अपने नंबर अनुसार बाबा सभी की कलाएं भी देखता है। तो जैसे जैसे और धर्मों की भी मतलब अपने हिसाब से जैसे गोल्डन स्टेज होती है, लेकिन बाबा तो यहाँ पर हमें 16 कला जो संपन्न देखना चाहता है, कहना करना सोचना सब संपन्न होना चाहिए। तो संपन्न अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप बाप का बनना, जैसे बाप के बनने तो उड़ती कला का वरदान मिला, तो इसी वरदान को अब जब हम जीवन में लाते हैं, कभी कभी किसी कदम में हम पीछे भी हो जाते हैं आगे भी बढ़ते हैं,
तो जब सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो हर कदम में आगे, तो स्वयं भी सदा हम संपन्न और दूसरे को भी संपन्न बनाने के, जो सेवा का बाबा ने ये बताया, तो ये अनुभव की भी, अगर हमें इस अनुभव, इन चारों सब्जेक्ट के अनुभव की भी कमी, जैसे दीदी ने बोला अनुभव की मुरली है, तो ये अनुभव की कमी भी बाबा हमें नहीं देखना चाहता, तो इसलिए हमें संपन्न संपन्न सजी सजाई जो ये कलाएं हैं उसमें संपन्न देखना जाता है, सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई मूर्ति, यही 16 कला श्रृंगार अर्थात 16 कला संपन्न भी है। ओम शांति। हाँ जी भोपाल भाई जी सुना सकते हैं आप। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जैसे वतन का जो सुबह का समाचार सुनाया, तो देखने में ऐसा अनुभव हो रहा था कि क्योंकि बाबा हर दिन जो भी मुरली चलाते हैं वो अलग अलग रीति से रमणीकता होती है उसमें। तो ये बाबा मुझे जो इसमें मुरने का पॉइंट लग रहा है कि बाबा कैसे कैसे अपने बच्चों को देखते हैं। बाबा चाहते हैं कि हम भी अपने आप को उसी स्वरूप में देखें कि हमारे में मेन सार तो मुरली का ये है कि हमारे में जो कमियां हैं बाबा उनको कैसे इमर्ज कराता है, हमारे सामने कैसे ला रहा है कि बच्चे अपना चित्र दे, मालाएं कितनी कम ज़्यादा है, किसी की नेकलेस है, किसी की बहुत सारी गुणों की मालाएं, अपने आप को देखो उसमें आप कहाँ पर हो। रंगों की बात चलो बाद में है, पर अपने आप को चेक करना। और दूसरा मुझे जो अनुभव हो रहा है, जैसे अगर कोई हमारी क्या स्थिति है, क्या हम अपनी माला देख रहे हैं जैसे बाबा औरों की माला देख रहे हैं, भी मस्त ब्रह्मा बनकर क्या हमारी जो राजधानी बन रही है, क्या हम उनकी भी माला देख रहे हैं, क्या हम वो जैसे बाबा कहते हैं ना सकाश दो, सकाश देने का ही मतलब क्या रहा कि जो हमारी राजधानी बन रही है तो हम कैसे योगदान कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा उसमें से लग रहा था कि बाबा बच्चों को कैसे देख रहे हो, बाबा के अंदर क्या भावना जो बार बार आती है कि मेरे बच्चे कैसे संपन्न बने। तो क्या हम भी अपने पूर्वज बनकर क्या हम अपने लिए ही देख रहे हैं या औरों के लिए भी हम देख पा रहे हैं। तो मुझे इस तरह से चिंतन चल रहा है। ओम शांति। जी ओम भाई शांति। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भी हम बेहद में जाएं, हद की ना जाएं इसमें भी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। हाँ जी ओम शांति। सभी ने बहुत सुंदर चिंतन शेयर किया। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे जहां पर हम म्यूट अनम्यूट करते हैं ताकि आपको पोल दिखाई दे। जी बहन, आप होमवर्क और योग करा सकते हैं। जी आज की मुरली में से तो यही करेंगे कि जैसे अभी भाई जी ने कहा कि मास्टर ब्रह्मा बन के जब दूसरों को भी हम देख रहे हैं कि भी कैसी मालाएं डाली हैं उन्होंने, और तो ऐसे ही आज सारा दिन में यही अभ्यास करेंगे, खुद की भी मालाएं देखते रहेंगे और जैसे वतन में ही रहेंगे ना, और वतन में ही रहेंगे और खुद की भी माला देखते रहेंगे और दूसरों को भी माला उनके रूप में ही देखते रहेंगे, और मास्टर ब्रह्मा बनकर उन्हें भी जैसे वतन में ले जाएंगे, ब्रह्मा बाबा से दृष्टि भी दिलवाएंगे और वरदान भी दिलाएंगे, तो आज ये बहुत सुंदर अनुभव करने का दिन बना लेंगे। अभी भी हम 1 सेकंड के लिए यही अनुभव करेंगे जो बाबा ने चित्र देखा, दोबारा से मन की आंखों से सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं, बाप दादा के सामने वो सुंदर दृश्य, पूरा वतन गोल्डन रंग की किरणों से भरा हुआ है, वातावरण में भी चारों रंग फैले हुए हैं, गोल्डन रंग, लाल रंग, सफेद रंग और हरा रंग चारों ओर फैला हुआ है। बाप दादा के साथ मम्मा, सभी दीदी दादियां, सभी वरिष्ठ भाई
सभी वतन भरा हुआ है आज। बाप दादा नैनों से एक एक आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। चारों मालाएं हमारे गले में पड़ी हैं, नेकलेस से नीचे लेकर नीचे पांव तक ड्रेस के रूप में मालाएं मालाएं दिख रही हैं। चारों रंग से चमक रहा है। हम फरिश्तों के रूप में और ऊपर से वो मालाएं, वतन भी चमकीला, बाप दादा हमें नैनों से श्रृंगार कर रहे हैं। उसमें जिस रंग की भी अंतर है वो भर रहे हैं। जिस गुण शक्ति की कमी है वो तुरंत बाबा को हम दे रहे हैं और बाबा उसके बदले में गुण शक्तियों से हमें भर रहा है। और हमारी ड्रेस और चमकीली होती जा रही है। भरपूर और भरपूर होते जा रहे हैं। सर्व ब्राह्मण अपनी चमकीली ड्रेस में इतने सुंदर लग रहे हैं। बाबा ने हम सबको जैसे अपने पीछे खड़ा कर लिया और हम सब बाबा के हैंड बन गए हैं। और ये गुण शक्तियों का प्रवाह पूरी पृथ्वी पर जा रहा है, पूरी धरती पर, पूरे यूनिवर्स में। पूरी धरती ही जैसे परिवर्तन हो गई है। गोल्डन प्रकाश से भर गई है। इस गोल्डन प्रकाश में ही सब रंग भरे हैं, सब गुण शक्तियां जो पूरे पृथ्वी को परिवर्तन कर रही हैं। और सतयुगी दुनिया की तरफ आने का आह्वान कर रही हैं। पूरे विश्व में ये प्रकाश फैलाते हुए फिर से बाबा के सामने और बाप दादा के हाथों में हाथ देकर शुक्रिया किया। बाबा का शुक्रिया, मेरे बाबा शुक्रिया सेवा के निमित्त बनाने के लिए और वतन का दृश्य दिखाने के लिए, हमें मालाओं से सजाने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। शांति आ जाए, इसी से सजे सजाए अपने स्थूल वतन में, स्थूल देह में सारा दिन सजे सजाए रहें, यही शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग शुभ। ओम शांति, शांति, सभी सजी सजाई शक्तियों को ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया। थैंक यू बाबा।